पिया को अमीर बनाए दे जो कल कल जोड़े। गरीब पति को अमीर बनाए दे जो कल कल जोड़े। तो अमीर पति पे भीख मंगाए दे भरे भाड़ फोड़े। नारी जो करे सो करे छोड़े। नारी जो करे सो कर छोड़े। गरीब पति को अमीर बनाए दे जो कड़कड़ जोड़े। स्त्री चाहे तो एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके गरीब पति को भी अमीर बना सकती है, और नहीं तो अमीर पति पे भीख मंगाए दे भरे भाण फोड़े। स्त्री चाहे तो अपने गरीब पति को भी पैसे वाला बना सकती है, और स्त्री चाहे तो करोड़पति को रोड़पति बनाए में एक ही पल लगे। घर की लक्ष्मी बता दिया, क्योंकि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक बनाए दे। याद रखना, क्योंकि देखिए माता अनसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर, माता बहनों तुम्हें लक्ष्मी जरूर बनाओ लेकिन शक्ति कछु नहीं है, तुमने कछु नहीं है। कब तक है? केवल जब तक जे तुमसे खुश है तो ही शक्ति है, न शक्ति कहू काम की ना है। माता अनसुईया ने पति व्रत धर्म के बल पर तीनों देवताओं को बालक बना लिया, केवल पति व्रत धर्म के बल पर। अपनी शक्ति तो ना है। हाथी कितना विशाल जानवर है महाराज, उसे अपना शरीर दिखाई नहीं देता है। अगर उसे अपना शरीर दिखाई दे जाए तो काऊ नहीं छोड़े है, कितना विशाल जानवर है। लेकिन भगवान ने उसमें कमी कर दी, उसकी गर्दन पीछे मुड़ती नहीं है हाथी की, थोड़ी सी कमी कर दी। अगर गर्दन मुड़, गर्दन अगर मुड़न लगती तो वो कौ राखतो नहीं फिर है। और वही बात विद्वान स्त्री के बारे में कहते हैं कि स्त्री लक्ष्मी है, स्त्री देवी है, स्त्री में बहुत शक्ति है। कब? जब उसका पति उससे खुश है, उसके पति को उससे कोई कलेश नहीं है तब। क्योंकि पति ही जप है, पति ही तप है, और पति ही है करतार पिया बिन को पतरा कन्हार। माता बहन हमें तो मालूम है, इनकी तो भागवते हैं, होती रहती हैं, सुनते रहते हैं चर्चा। कितनी माताएं पैर छुती सवेरे पति के उठ के हाथ उठा दो, सवेरे उठ के पैर छुती। अच्छा भागवते होती रहती हैं तो चलो, हम तो ना अच्छी कथा का कोई बात ना है, हमारे तो दो दिन और हैं केवल। अच्छी होती नहीं भागवत, कितनी माताएं पैर छूती, हाथ उठाओ तो ऊपर करो, ये कहूं ना है? चलो जहां से हम ही बढ़िया है। और फिर एक आध छूती हुई है तो शर्म के माना हाथ उठा तो ये क्यों बाद में हंसी ना करें हमारी। और कुल जो सोच रही हुए झूठो हाथ उठाए दे तो क्यों जोरी बैठे ना, कान लगे ना छुती बेजती है जाए, ऐसो हो सके झूठो उठाए बे के चक्कर में है। याद रखना माता, संसार में जितनी भी पूजा है पति की पूजा के आगे सारी पूजाएं फेल हैं। एक किसी कवि ने लिखा है कि करो शुभ कर्म और शुभ गति के लिए, शुभ गति के लिए और पत्नी होती है पैदा पति के लिए। कर्म शुभ गति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। और लिखा कि पति के मन को भाए और सुहागिनी बही है, और नजर से उतर जाए अभागिनी बही है। मन को भाए तो सुहागिन बही है, और नजर से उतर जाए तो अभागिन बही है।
याद रखना माता, पति की उम्र नाव लेवे से कम ना होते। पति की उम्र कम जब होते, जब बाय कलेश दियो बाकी बात ना मानियो, तब नाम लेवे से कहूं कम उम्र ना होते। अगर नाम लेवे से ही उम्र कम होते होती महाराज, तो जो औरतें आदमी से दुखी हैं, सवेरी माला लेके बैठ जाती और संजा लो बंटुआ बंटुआ चिल्लाती, सारो मत जातो संजा लो, मर ना जातो, अधमरो तो ही जातो, हम कहा अगले दिन मत जातो, ज्यादा उम्र होती। याद रहे माताओं, नाम लेने से पति की उम्र कम नहीं होती, उन्हें कलेश देने से, उन्हें दुखी करने से। और का तुम्हारी तो भोले भोले गाती रहती। याद रखना माताओं, किसी विद्वान ने ये गीत गाया है, जितने भी गीत आपके लिए है गाने के लिए, बे तुम सबरे गीत बंद करो। जे गीत जो गाती हो माताओं के, सोने को लोटाओ गंगा जल पानी, अर का मट्टी को डबुआ गड़बुआ को पानी, हैं जे गीत जितने गाती हो, के मैया के द्वारे को लंगड़ा बुलावे, के मैया के द्वारे को अंधा बुलावे, वाह जे गाना ना है, गाना एक ही गाओ संजा सवेरे, कौन सो सही हाथ पैन वारे जाते ही नहीं को। जी जितने गाना है जो सबरे तुम गाए वो छोड़ दे, एक ही गाना गाओ करो, कौन सो मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। के सुन लियो पति प्राण प्यारे, और तुम ही हो मेरे देवी परमेश्वर घर में बैठे पत्नी तीरथ जावे, ऐसी नारी बने चमकादर लटक लटक मर जावे, जिनके पति है दुखारे घर में बैठे और पत्नी तीर्थ जावे, और ऐसी नार बने चमकादड़ जो लटक लटक मर जावे, जिनके पति हैं दुखारे। जिस स्त्री से पति दुखी होता है, उस स्त्री का जो है परलोक बिगड़ जाता है माताओं, याद रखना। सबसे बड़ी पूजा है विद्वान कहते हैं तो पति की पूजा। रानी पवन रेखा बड़ी पतिव्रता स्त्री है, सुबह उठने के बाद में पति के चरण स्पर्श करती हैं, उनकी आरती करती हैं।